सभी भाइयों को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है केएस डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पे। आज भाई आपके लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो गाय लेके आए हैं, ऑलमोस्ट जो 6 गाय हैं फॉर सेल के लिए जो अवेलेबल है। बाकी और गायें हैं वो डिफरेंट वीडियो में दिखाएंगे, 8-10 गायें अलग से आपको और दिखाएंगे क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी। सबसे पहले एक नंबर पे तो ये गाय सेकेंड टाइमर गैलेक्सी के सीमन की, और इसको आज 2 दिन हो गए बच्चा दिए को, और ऑलमोस्ट इसके नीचे 38 लीटर खीस तैयार है 2 दिन का बच्चा दिए को। आप क्वालिटी देखिए, कलर देखिए, और पीठ की क्वालिटी तो क्या ही बात है, बेमिसाल पीठ और हाइट लेंथ ब्रीड। ये गैलेक्सी के सीमन की है, सेकेंड टाइमर ये गाय है। फर्स्ट टाइमर ने इसने कोई 42 लीटर दूध दिया है, इस बार कोई 50 प्लस चलेगी मिल्किंग में बड़ा इजीली। मेल काफ है इसके पीछे, और ये देख लीजिए आप क्वालिटी चेक करिए पहले तो गाय की, फेस की क्वालिटी भी आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए। ये गाय की अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो प्राइस रेंज इसका भाई जी 1,40,000 रुपये है, 50 से 55 लीटर दूध की गाय का। कोई भी बंदा मिल्किंग करके भी गाय खरीद सकता है अपने फार्म से। ये देखिए क्वालिटी, पीठ स्ट्रक्चर स्ट्रेटनेस तो क्या ही बात है। इससे आगे आपको एक दिखाते हैं भाई जी, बहुत ही बड़ी गाय, बड़ा रेयर है कि इतनी बड़ी गाय, इतनी हाइट की गाय और इतनी क्वालिटी की गाय बहुत रेयर मिलती है। आपको इसका मैं ऑर्डर भी दिखाता हूँ। ये कोई तकरीबन ऑलमोस्ट 1 महीना पेंडिंग है इसका बच्चा देने में, ये गाय का। ये देखिए ये बीन्स अडर के ऊपर क्वालिटी, ये देखिए भाई जो इसकी हाइट है गाय की वो ऑलमोस्ट 6 फीट की हाइट है, फ्रेम में भी बड़ा मुश्किल से पूरा आ रही है। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये गाय 4 दांत है सिर्फ, अभी 1 महीना पेंडिंग है इसका बच्चा देने में, और 6 फीट की हाइट है, बहुत ज़्यादा बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइट है इसकी। ये लैब्राउन के सीमन की है, और आगे ही इसको जो डेफी का सीमन लगा हुआ है वर्ल्ड वाइड सायर का, 1 मंथ पेंडिंग है। फर्स्ट टाइमर ने 46 लीटर मिल्क दिया इसने, और ये देख लीजिए आप क्वालिटी देखिए। तो जो इसकी प्राइस रेंज है, इसकी भी भाई प्राइस 1,40,000 रुपये, और ये भी कोई 55 से 60 लीटर दूध की गाय है। ये देख लीजिए आप फेस क्वालिटी, जो भी गाय हम दिखाते हैं भाई इनका रिकॉर्ड आपको, जिनका कंप्यूटर का रिकॉर्ड है उनका कंप्यूटर का, जिनका फार्म में जैसे रिकॉर्ड मेंटेन है वैसे ही आपको रिकॉर्ड आगे अवेलेबल करवा के हम देते हैं, वैसे ही रिकॉर्ड आपको देते हैं। तो इससे आगे भाई 3 नंबर पे ये बछड़ी, फर्स्ट टाइमर बछड़ी है, ये 4 दांत बछड़ी है फर्स्ट टाइमर। इसके थोड़ा अभी इस साइड पर जो सोजन भी आई होती है, बाई बोल देते हैं क्योंकि इस साइड को बैठ रही है, अभी ताज़ा इसने बच्चा दिया है तो इसलिए इसके थोड़ी बाई भी है इस साइड पे। ये देखिए ये भी फर्स्ट टाइमर बछड़ी भाई जी, कोई ऑलमोस्ट 35 और 40 के बीच दूध की बछड़ी है ये। आपको मैं एक बार गाय साथ खड़ गई ऊपर से भी आपको दिखा देता हूँ उसको प्रॉपर, ये देख लीजिए आप पीठ की। ये फर्स्ट टाइमर 4 दांत बछड़ी है। इस बछड़ी की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इस बछड़ी का प्राइस है भाई जी 1,25,000, और फर्स्ट टाइमर 4 दांत 35 प्लस लीटर जो दूध जो इसके नीचे, इसका मेल काफ है भाई इसके पीछे। इससे आगे एक ये बछड़ी ब्लैक कलर में, बड़ी क्वालिटी स्ट्रक्चर वाइज क्वालिटी वाइज बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये देखिए ये कैंपमैन के सीमन की है भाई खुद ये बछड़ी। आप एक बार क्वालिटी देखिए इसकी पूरी, स्ट्रक्चर वाइज अडर वाइज बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये देख लीजिए आप साइड से, इस साइड से भी आपको मैं इसका अडर दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। ये कैंपमैन के सीमन की ये सेकेंड टाइमर, 4 दांत है ये सेकेंड टाइमर, और फर्स्ट टाइमर ने इसने 36 लीटर दूध दिया, इस बार सेकेंड टाइमर 40 से 42 लीटर दूध बड़े आराम से ये देगी। ये देखिए आप क्वालिटी, ये भी बछड़ी फॉर सेल है, इसका जो प्राइस है वो 1,20,000 रुपया, 40 लीटर दूध और 4 दांत सेकंड टाइमर, ये देख लीजिए। इसके पीछे भाई जी मेल काफ है, ये कैंपमैन के सीमन की खुद है ये भाई,
क्वालिटी तो इसकी बड़ी बेमिसाल है। इससे आगे एक ये बछड़ी सेकंड टाइमर, ये देखिए ये भी अभी ऑर्डर बनाना स्टार्ट हुई है। भाई यानी इसके भी अभी ऑर्डर पे शुरू हो गई है। ये देख लीजिए ऑर्डर इसका, उस साइड से भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये सेकंड टाइमर है और कच्ची है अभी, ऑलमोस्ट कोई 15-18 दिन पेंडिंग है इसके भी बच्चा देने में। क्वालिटी इसकी भी बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, हर शरीर से मीडियम हाइट है इसकी, ज़्यादा बड़ी हाइट नहीं है, मीडियम हाइट में है। और अगर प्राइस की बात करें तो 1,00,000 रुपए की एवरेज की ये बछड़ी है और 40-42 लीटर दूध की इसकी भी क्षमता है। ऑलमोस्ट 33 लीटर दूध इसने फर्स्ट टाइमर ने दिया और सेकेंड टाइमर इतने दूध पर बड़ा ईजिली जाएगी। इससे आगे ये बछड़ी आ गई फर्स्ट टाइमर, 4 एबीएस चाम के सीमन की है, अभी ताज़ा बच्चा दिया, इसकी मिल्किंग हो गई है भाई, मिल्किंग इसकी पूरी, ताज़ा बच्चा दिया, इस कारण इसकी ये फीमेल काफ है। ये देख लीजिए ये भी 4 दांत है फर्स्ट टाइमर। ये देखिए ये स्टॉइक के सीमन की बछड़ी है, इसकी बछड़ी भी बड़ी हैवी दी है इसने। ये बछड़ी की खुद भी क्वालिटी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, आप देखिए पीठ की क्वालिटी और स्ट्रक्चर हर चीज़ से बड़ी परफेक्ट है ये। ये देखिए ये भाई जी जो भी मिल्किंग होने के बाद इसका वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि ताज़ा बच्चा दिया था, इसकी जेर प्लेसेंटा इसका पड़ गया था, उसके बाद मिल्किंग कर दी थी इसकी। ये देख लीजिए, तो बताना भाई आपको वीडियो कैसी लगी और कमेंट ज़रूर करना, बताना कि आपको गाय कैसी लगी। आगे भी आपको लेके आएंगे और वीडियोस लेके आते रहेंगे, और भी स्टॉक अवेलेबल है उनकी, डिफरेंट वीडियोस आपको दिखाएंगे। अभी 1-2 दिन में उनका भी वीडियो जल्दी आएगा, वो भी सारी गाय बड़ी हाई ब्रीडेड गाय हैं। तो धन्यवाद भाई वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का।